नमस्कार दोस्तों, मैं निशी बोरा अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ राजमा चावल और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ राजमा चावल। और आज का मौसम कुछ इस तरह का है। तो दोस्तों, आज का मौसम कुछ इस तरह का है। ये देखिए, बादल हैं लेकिन धूप भी है, तो बहुत सारे कपड़े धो दिए हैं और छत पूरी भर दी है कपड़ों से, क्योंकि कभी कभी आजकल धूप देखने को मिलती है। तो ये देखिए, ये है हमारे घर से मौसम का नज़ारा। तो मैं राजमा में कुछ बेसिक खड़े मसाले इस तरह से डालती हूँ। ये काली मिर्च, लौंग, ये जावित्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जननी सी मेथी, और ये साबुत जीरा, और ये है 2 तेज़ पत्ते। और ये राजमा मैंने रात ही भिगा के रख दिए थे। अब ये सरसों का तेल डाल देते हैं। और राजमा बना रहे हैं तो मसाला भी बनेगा, तो तेल भी अच्छा ही चाहिए यार। अब इन मसालों को कूट लेंगे। ये काली मिर्च है और ये लौंग, क्योंकि ये सब साबुत मुंह पे आती हैं तो अच्छी नहीं लगती हैं, तो इसलिए बच्चे बोलते हैं कि यार मुंह पे नहीं आना चाहिए। इसलिए मेथी, जीरा और तेज पत्ते को मैं साबुत ही डालूंगी। और तेल हो गया है, इसमें ये तेज पत्ते डाल देते हैं। और इलायची को हल्का सा मैंने कूटा हुआ है, क्योंकि इसके बीज नहीं निकलने चाहिए बाहर, बाकी तो मैंने सब कूट दिया है। अब इसमें थोड़ी सी मेथी, मेथी बिल्कुल जरा सी डाल रखी है, इसको डालते हैं। और ये साबुत जीरा, और ये इसी के साथ डाल देते हैं गरम मसाले भी। और ये लहसुन और प्याज है, जिसे मैंने थोड़ा मोटा मोटा काटा है, अभी मैं इसे बारीक बारीक काट लेती हूँ। और लहसुन भी मैं खूब सारा डालती हूँ। थोड़ा सा अदरक भी डाल देंगे, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लेंगे। और ये प्याज डाल देंगे, तेल हो गया, मसाले भी अच्छे से हो गए हैं। और ये टमाटर है, इन्हें भी हम पीस लेते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देते हैं ताकि प्याज जल्दी से भुन जाए। नमक डालने से प्याज जल्दी भुन जाता है। तो आप भी इस तरह से बनाइएगा। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जब भी मैं राजमा चावल बनाती हूँ तो मुझे अपनी मम्मी की याद बहुत आती है, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छे राजमा चावल बनाती हैं। हम लोग कभी भी मायके जाते हैं तो पहले मम्मी को बोल देते हैं कि आप राजमा चावल बनाइएगा। मैं लहसुन थोड़ी सी काट दी है मैंने, हरी मिर्च, और अगर आप चाहें तो काट के डालें, नहीं तो आप टमाटर में पीस भी सकते हैं, टमाटर के साथ वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब डाल देते हैं इसमें मसाले। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देते हैं, क्योंकि लाल मिर्च कलर के लिए भी चाहिए। और ये जीरा और धनिया मैंने कल ही इसको घर पे पीसा था साथ ही मिक्स करके। और हल्दी, और थोड़ा सा डाल देती हूँ गरम मसाला। और सभी मसालों को मिक्स कर देती हूँ और थोड़ा सा डाल देती हूँ इसमें पानी, ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं इसके साथ। और उसके बाद हम डालेंगे टमाटर। और टमाटर आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है बताइएगा, चाहे कितने भी महंगे हो, जाना तो इन्हें सब्जी में ही है यार। और ये टमाटर डाल दिए, तो टमाटरों के साथ सारे मसाले को भून लेंगे। बनाना तो मैं भी मम्मी की तरह चाहती हूँ, लेकिन बनते नहीं है। हो सकता माँ के हाथ का स्वाद है ना, तो वो कुछ अलग ही होता है। और थोड़ा सा मैं डालती हूँ इसमें काला नमक, क्योंकि काला नमक से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और इसको डाल देते हैं, और वैसे भी काला नमक तो बहुत अच्छा होता है। तो डाल के इसको सारा सब्जी को, इस मसाले को मिक्स कर लेते हैं। भुनी जाता है मसाला जब तक तेल छोड़ेगा मसाला, उसके बाद ही हम इसमें राजमा डालेंगे। और इस तरह बन रहे हैं मेरे चावल, और जिन्हें कि मैं माड़ निकाल के बनाती हूँ, क्योंकि मुझे शुगर है और राजमा के साथ चावल ही बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसका मैं माड़ निकाल दूंगी। ये अभी उबल रहे हैं। और डाल देते हैं अब राजमा। अब राजमा अच्छे से भीग गए हैं। और कुछ राजमा तो आजकल ऐसे आ रहे हैं कि जिन्हें डायरेक्ट आप पका सकते हैं धोने के बाद, क्योंकि वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। ये थोड़ा भीगने के बाद ही पकेंगे लग रहा है। और इसमें मैंने रख दिया था गर्म पानी, अब इसको डाल देते हैं और लगाते हैं 5 सीटी। 5 सीटी में मुझे लग रहा है पक जाएंगे, क्योंकि भीगे हुए हैं। और हमारे पहाड़ में यार पकने में भी तो टाइम लगता है कोई भी चीज़ को। और लगा देते हैं इसमें ढक्कन और आने देते हैं इसमें सीटी। और मेरे चावल भी बन चुके हैं यहाँ पे, को इनका माड़ निकाल लेती हूँ। और मैंने इसमें निकाल दिया माड़, और थोड़ा डाल देती हूँ इसके ऊपर से घी, क्योंकि राजमा के साथ घी वाले चावल बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो इन्हें जीरा राइस भी बना सकते थे, लेकिन यार प्लेन ही चावल बनाते हैं, लेकिन घी डाल देते हैं, थोड़ा और डाल देते हैं घी।
ताकि ये और अच्छे बन जाएं। और चावलों में भी लगा देते हैं ढक्कन, क्योंकि बिना प्रेशर वाले चावल भी अच्छे नहीं लगते हैं, और इसे आने देते हैं थोड़ी देर प्रेशर। अब काफ़ी सीटी आ गई हैं, 5-6 सीटी आ गई हैं, बंद कर देते हैं और चावल भी बंद कर देते हैं। ये चावल बन गए हैं और राजमा भी बन गए हैं, तो डाल लेते हैं राजमा और चावल। ये देखिए, दिख तो मस्त रहे हैं, अब खाने से ही पता चलेगा कैसे बने हैं। और इसके साथ प्याज का सलाद और अचार तो वहीं रखा हुआ है। हम करते हैं राजमा चावल एंजॉय, आप देखिएगा वीडियो, और वीडियो कैसा लगा और आप कहाँ से देख रहे हैं ये बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।